arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। भाग एक। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार तीव्र गति से बढ़ा। 19वीं शताब्दी के 6वें और 7वें दशक के मध्य भारतीयों में बेरोजगारी व निर्धनता की वजह से असंतोष का भाव जागृत हुआ। इस काल तक हस्तशिल्प उद्योग व कृषि दोनों का ही पतन हो चुका था। परंपरागत कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग भूमि से बेदखल किए जा रहे थे और उनकी स्थिति समाज में भूमिहीन कृषक मजदूर की बनती चली जा रही थी। अंग्रेजों की जबरदस्त आर्थिक लूट का प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ा और इससे अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हो गए। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ ही सामाजिक सुधार का कार्य आरंभ हो चुका था। राजा राम मोहन राय, जो प्रगतिशील विचारक माने जाते थे, उनके नेतृत्व में राजनीतिक सुधारों के लिए भी आंदोलन चलाया गया। 1836 ईस्वी के बाद पूरे भारतवर्ष में अनेक सार्वजनिक समितियां बनाई गई जिनमें प्रतिष्ठित तथा संपन्न लोगों की सहभागिता होती थी। इन समितियों के माध्यम से यह निवेदन किया गया था कि भारतीयों को सुविधाएं प्रदान की जाएं। इनमें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी प्रमुख है। आगे चलकर 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। शीघ्र ही इसकी शाखाएं विभिन्न शहरों व नगरों में खुल गई, अर्थात लोग उनके विचारों से सहमत होने लगे। इसके माध्यम से दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारतीय हितों के संबंध में विचार प्रेषित करने का कार्य करते थे। ब्रिटिश भारत में दादा भाई नौरोजी संभवतः प्रथम लेखक थे जिन्होंने भारतीय धन के निर्गमन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपनी चर्चित कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा लूटे जा रहे धन का विवरण दिया। उनके अर्थशास्त्री लेखों में शिक्षित भारतीय जनमानस अंग्रेजों की नीतियों को भली भांति समझ गए। बंगाल प्रांत में 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रयासों से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ओजस्वी वक्ता, प्रखर चिंतक व लेखक थे जिन्हें भारतीय सिविल सेवा से अन्यायपूर्वक सेवामुक्त कर दिया गया था। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी राष्ट्रीय विचारधारा से लोग उनकी ओर शीघ्र आकृष्ट होने लगे। इस प्रकार जस्टिस रानाडे ने सहयोगियों एवं राष्ट्रीय विचारधारा वाले लोगों को एकत्रित कर 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया, जबकि 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का गठन एम वीर राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर के प्रयास से किया गया। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने की। इन संगठनों के माध्यम से विदेशी शासन के दोषों को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ कारण थे जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला, भारतीयों को संतुष्ट करना। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय जनमानस अत्यंत उद्वेलित एवं असंतुष्ट थी। ब्रिटिश शासक इस बात को भलीभांति जानते थे। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य बनाया। दूसरा, अंग्रेजी शासन की सुरक्षा। अनेक इतिहासकार यह मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई अशांति को देखकर मिस्टर ए ओ ह्यूम को लगाया गया। ह्यूम ने लॉर्ड लिटन के शासनकाल की अनीतियों से परेशान भारतीयों को एक संगठन में लाने के लिए प्रयास किया जिससे अंग्रेजी शासन को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरा, भारतीयों की आकांक्षा। कांग्रेस की स्थापना का एक कारण यह भी था कि भारतीय एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना करवाना चाहते थे जिससे भारत की राजनीतिक और आर्थिक प्रगति संभव हो सके। चौथा, संगठन की भावना। कांग्रेस के जन्म के पूर्व अनेक छोटे छोटे संगठन थे। अखिल भारतीय इस तरह कोई संगठन नहीं था। भारतीय देशभक्त राष्ट्रवादी नेता इस बात का अनुभव बहुत समय से कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े शिक्षित वर्ग ऐसे संगठन का गठन करना चाहते थे जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अपनी गतिविधियां संचालित कर सके। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, आनंद मोहन बोस,
फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख थे। इस योजना को क्रियान्वित करने का श्रेय सेवानिवृत्त ब्रिटिश नागरिक एओ ह्यूम को जाता है। ह्यूम ने मार्च 1883 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्येताओं को एक पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया। इस पत्र में उन्होंने शिक्षित नवयुगों को संबोधित करते हुए लिखा था कि यदि आप अपने सुख चैन का परित्याग नहीं कर सकते तो कम से कम वर्तमान समय में हमारी प्रगति की संपूर्ण आशाएं व्यर्थ हैं, और यह कहना होगा कि भारत वास्तव में वर्तमान सरकार से उचित शासन ना तो चाहता है और ना उसके योग्य ही। इस संदेश का नवयुगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा तथा बैठक हेतु पुणे नगर को चुना गया, किंतु प्राकृतिक महामारी के परिणाम स्वरूप मुंबई में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस बैठक में पूरे देश से 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। वैचारिक समानता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। इस गठन को लॉर्ड रिपन का सहयोग भी प्राप्त हुआ। कूपरलैंड के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने का आशीर्वाद दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, राष्ट्र के हितों की रक्षा हेतु तत्पर भारतीयों से संपर्क कर मित्रता बढ़ाना। दूसरा, जाति धर्म प्रांत की संकीर्ण भावना का त्याग कर राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार व प्रसार करना। तीसरा, आगामी वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करना। चौथा, देश में जनमत को संगठित करने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित करना। पांचवा, शिक्षित वर्गों की सहमति से सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मात्र 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी, किंतु शीघ्र ही इस संस्था के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इससे जुड़े लोग अत्यधिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने आरंभिक दिनों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना तक ही सीमित रहे, जबकि समूचे भारतवर्ष को अंग्रेजों के द्वारा भारत के अत्यधिक आर्थिक शोषण व धन निर्गमन की जानकारी हो चुकी थी। इससे जनमानस भी कांग्रेस की ओर आकृष्ट होने लगा और कालांतर में कांग्रेस का अभियान जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। कांग्रेस का प्रारंभिक काल 1885 से 1905 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष उदारवादी युग के रूप में जाने जाते हैं। इन वर्षों में कांग्रेस की नीतियों, कार्यक्रमों व आयोजनों का क्रमिक विकास हुआ। इसके अतिरिक्त इस संस्था से जुड़े वरिष्ठ जनों ने शांतिपूर्वक भारतीय जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इन मांगों में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक मुद्दे शामिल किए जाते रहे। जी आर प्रधान के शब्दों में, कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों के प्रस्तावों में हम अत्यंत उदार मांगे पाते हैं। कांग्रेस के संस्थापक आकाश में उड़ने वाले आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि वे व्यावहारिक सुधारक थे तथा उदारवाद की भावनाओं और सिद्धांतों से ओतप्रोत थे। वे स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनकी मांगे बहुत ऊँची नहीं थी। उन्होंने सुधार के ऐसे प्रस्तावों को रखा जिसका कम से कम विरोध हो। 1885 से 1905 ईस्वी के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थलों की सूची इस प्रकार है। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और इसमें उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तथा इसमें उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या 406 थी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे तथा इसमें 607 प्रतिनिधि उपस्थित थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे तथा इसमें उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या 1248 थी। पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ, इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे तथा इसमें 1889 प्रतिनिधि उपस्थित थे। छठवा अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे, इसमें 677 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सातवा अधिवेशन 1891 में नागपुर में संपन्न हुआ, इसके अध्यक्ष पी आनंद चारलू थे तथा इसमें उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या 812 थी। आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा इसमें 625 प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 625 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। दसवां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड द्वेप थे तथा इसमें 1163 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। ग्यारहवां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ। इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसमें 1584 प्रतिनिधि उपस्थित थे। बारहवां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी थे। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 784 थी। तेरहवां अधिवेशन 1897 ईस्वी में अमरावती में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे। इसमें 692 प्रतिनिधि उपस्थित थे। चौदहवां अधिवेशन 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे तथा इसमें 614 प्रतिनिधि उपस्थित थे। पंद्रहवां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे तथा इसमें 789 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सोलहवां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष एन जी चंद्रावरकर थे। इसमें 567 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सत्रहवां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष दिनशा इंदुल जिबाचा थे। अठारहवां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे तथा इसमें 461 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। उन्नीसवां अधिवेशन 1903 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे तथा इसमें 538 प्रतिनिधि उपस्थित थे। बीसवां अधिवेशन 1904 ईस्वी में बम्बई में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे तथा इसमें 1010 प्रतिनिधि उपस्थित थे। तथा 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।